स्मृति तिवारी 11 साल की। हाँ, क्या हुआ था आपके साथ? हमारे साथ, मैं छत पे गई वॉशरूम करने, फिर वहां पर मेरी दीदी खाना बना रही थी किचन में। फिर वहां पर मैं जब वॉशरूम करने गई, वहां पर कपड़ा पसारा था, मैं कपड़े उतारने लगी, वो पता नहीं कहाँ से आया, मेरा मुंह मुन कर लेकर गया, मेरे साथ बलात्कार किया है। जबरदस्ती मारा पीटा भी था आपको? जी हाँ, वो मारता भी था। तो सिविल में आपका मेडिकल करवाया गया था? जी हाँ, मेडिकल करवाया गया। तो जैसा भी पुलिस के ऊपर आप कार्रवाई करवाना चाहते हो? फिर से दरखास्त पड़ेगा। क्या चाहते हो, उसको क्या सजा दिलाना चाहते जी? हो? उसे फांसी मिलना चाहिए। और कौन सी क्लास में आप पढ़ते हो? फर्स्ट क्लास में। कौन से स्कूल में? इक्के मोरिया हाई स्कूल में। ठीक है, अभी आप स्कूल जाते हो? जी नहीं, मेरा पढ़ाई छूट गया। तो अभी आप पढ़ना चाहते हो आगे? जी हाँ। तो आरोपी को सजा दिलाना चाहते हो? जी हाँ। हाँ भैया, क्या नाम है आपका और कहाँ रहते हो, क्या हादसा हुआ है? मेरा नाम आशुतोष तिवारी है, मैं न्यू पुनीत नगर गली नंबर 4 में रहता हूँ। मैं फैक्ट्री में काम करता हूँ जी, और मेरे साथ मेरी छोटी साली रहती थी, वो मेरी बच्ची के समान रहती थी। उसके साथ मेरे सामने मेरा पड़ोसी एक संजय कुमार नाम है उसका, वो उसके साथ बलात्कार कर दिया है, और मैं यही चाहता हूँ कि उसको सख्त से सख्त सजा मिले। ये सर हुआ था 3 तारीख को, 1 जनवरी, 3 जनवरी पहला महीना 2019 को हुआ था। तो ये रोती बिलखती हुई मेरे पास आई जी, तो ये यहाँ पे कुछ बताई नहीं, फिर मैं चला गया गांव। गांव जा करके ये अपनी मम्मी पापा से बोली, फिर यहाँ पे हमने उनसे बोला कि मैं जा करके वहाँ पे इसको न्याय दिलाऊंगा। फिर मैं यहाँ पे आया तो 12 जनवरी 2019 को FIR लिखाया। जब से पुलिस के पास मैं चक्कर काट रहा था 3 महीने से, तो पुलिस कह रही थी कि बस उसकी मतलब निगरानी में हम हैं, आप भी मेरी मदद करिए, मैं उसको पकड़ता हूँ। फिर जा करके जब उन्होंने नहीं पकड़ा तो मैं 181 पे कंप्लेन किया, 2 तारीख मार्च 2019 में। कौन से थाने में कंप्लेंट किया और किसके पास केस था ये? ये तिब्बा रोड थाने में कंप्लेंट किया था, ये जनकराज जी के पास फोन केस था। तो क्या आपको ये बोल रहा था कि आरोपी को आप ढूंढो या क्या बोल रहा? हाँ, ये मेरे से बोल रहे थे कि आरोपी को ढूंढो, पुलिस की मदद करो। मैं बोला सर मैं तो मदद करूंगा ही, बाकी आप भी कुछ करिए। फिर उसके बाद से उन्होंने, जब मैं 181 पे कंप्लेन लिखाया, तो वो उसके दूसरे दिन ही मेरे पास फोन किए कि आरोपी मैं पकड़ लिया हूँ और आप मेरे पास आ जाओ। तो आरोपी कब पकड़ा है? आरोपी पकड़े हैं ये 4 तारीख 3 महीना 2019 शाम को 6 बजे के करीब। तो अभी आपका क्या कार्रवाई करवाना चाहते हैं? आरोपी को अरेस्ट कर लिए हैं जी, लेकिन फिर भी हमें उनके ऊपर भरोसा नहीं है। किसके ऊपर भरोसा नहीं है? पुलिस के ऊपर, क्योंकि वो हमें 3 महीने से भगा दौड़ा रहे थे, और वो ये जानते थे कि वो यही लुधियाने में ही है। मेरे से कहते थे कि वो यूपी भग गया, बिहार भग गया, उसको कहाँ से ढूंढे ये वो। तो अभी क्या आपको शक है, पुलिस छोड़ सकती है उसको? अभी मुझे शक है जी, इसीलिए मैं आप सबका सहारा लिया हूँ जी। हाँ सर, एक रेप केस का मामला है, की मामला है? एक FIR 11/12/19 नूं दर्ज की थी कि संजय कुमार पुत्र राजेंद्र कुमार विरुद्ध, और उन्हें अपने 11 साल की लड़की ना उसके घर जाके रेप किया सीगा, ते भज्या होया सीगा, जिहड़ा कल मतलब कि इन्हूं गिरफ्तार किया। की कार्रवाई की थी सर, की धारा लगी? धारा 376, 504, 354 सर। कोई स्टडी भी करती थी? फर्स्ट क्लास पढ़ती थी। कितनी उम्र? 11 साल की लड़की। इसी लड़के की कितनी उम्र है और की काम करता थी? लड़का मतलब कि फैक्ट्री च लगा हुआ है, 26-27 साल की उम्र। और ये पीछे कितने रहने वाले ने? उत्तर प्रदेश से।